नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 10 Pro Plus versus Realme Narzo 50 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 6.36 इंच जबकि 50 Pro 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 10 Pro Plus से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 2.91 इंच जबकि 50 Pro 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme 10 Pro Plus से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme 10 Pro Plus में 0.3 इंच जबकि 50 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 10 Pro Plus से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 10 Pro Plus में 172.5 ग्राम जबकि 50 Pro 5G में 181 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 10 Pro Plus से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में AMOLED जबकि 50 Pro 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 6.7 इंचेस जबकि 50 Pro 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 10 Pro Plus में 1080x2412 और 50 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 10 Pro Plus में 90.81% जबकि 50 Pro 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 10 Pro Plus में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि 50 Pro 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Realme 10 Pro Plus में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 50 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 10 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 50 Pro 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 10 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 50 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G68MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में MediaTek Dimensity 1080MT6877V और 50 Pro 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में Android V13 जबकि 50 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme 10 Pro Plus में 3 कलर्स जबकि 50 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 10 Pro Plus में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 50 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 10 Pro Plus में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Realme 10 Pro Plus आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दूसरा iQOO Z6 5G है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।